दूसरे टी20 में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से हरा दिया। भले ही भारतीय टीम ये मैच हार गई, लेकिन भारतीय कार्यवाहक कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल भारतीय पारी के दौरान सूर्या ने 36 गेंद पर 56 रन की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाने में सफलता हासिल की। बता दें कि टी20 इंटरनेशनल में सूर्या का यह 70वां अर्धशतक है। अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान सूर्या ने धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दरअसल साउथ अफ्रीका में टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक जमाने वाले सूर्या भारत के इकलौते कप्तान बन गए हैं। बता दें कि धोनी ने साउथ अफ्रीका में टी20 इंटरनेशनल खेलते हुए 2007 में 45 रन की पारी खेली थी। अब कप्तान के तौर पर सूर्या साउथ अफ्रीका में टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। इसके अलावा सूर्या ने टी20 इंटरनेशनल में एक खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सूर्या ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 2000 रन भी पूरे कर लिए हैं। सूर्य कुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन पूरा करने में कोहली की बराबरी करने में सफल हो गए हैं। कोहली ने 56 पारियों में ये कमाल किया था। वहीं सूर्या भी अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 2000 रन 56 पारी में हासिल करने में सफल रहे हैं। वैसे सूर्या ने केएल राहुल को पछाड़ दिया है। राहुल 58 पारी में 2000 रन बना पाने में सफल रहे थे। वहीं टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नाम है। दोनों ने 52 पारियों में ही 2000 रन अपने करियर में पूरे कर लिए थे। वैसे सूर्या गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 1164 गेंद खेलकर 2000 रन पूरा करने का कमाल कर दिखाया है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।